फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह बज रहे हैं, सुबह के 8 बज रहे हैं और मैंने सोचा कि आज मैं कैबेज की सब्ज़ी और पराठे बना दूँ नाश्ते में। और कैबेज जो है पर्पल वाला कैबेज है, तो मुझे तो पसंद है बट मेरे बच्चों को और मेरे पति देव को बिल्कुल पसंद नहीं है। बट आज कोई सब्जी है नहीं, तो मैं बस आज सोच रही हूँ उसी को बना दूँ। तो चलते हैं फ्रेंड्स, फटाफट से बनाते हैं कैबेज की सब्जी और पराठे। तो आप लोग मेरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करिएगा। अगर मैं कोई नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलते हैं फटाफट से बनाते हैं सब्जी और पराठे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज जो है मैं पर्पल वॉयलेट कलर की जो कैबेज होती है, आज मैं उसकी सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, उसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। एक्चुअली क्या है, मतलब इसकी सब्ज़ी मुझे तो ठीक लगती है बट मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आज मैं ट्राई करने वाली हूँ, देखती हूँ उनको कैसा लगता है। तो बस अब मैं क्या करूँगी, मैं फुल नहीं बनाने वाली हूँ, मैं इसका हाफ ही बनाऊँगी। क्योंकि फुल बना दूंगी तो फिर कोई खाएगा भी नहीं और सारी सब्जियां वेस्ट हो जाएंगी। तो मैं इसका हाफ़ ही बनाऊंगी और हाफ अगर अच्छा लगेगा तो कल बनाऊंगी, कल या परसों बना लूंगी, फ्रिज में रख दूंगी। तो अभी मैं चलती हूँ इसका बनाने, और मैंने इसको धुल के रख लिया है। तो चलते हैं, इसको फटाफट काट लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको अब काट लेती हूँ। तो ये बहुत बड़ा पोर्शन है, इसको मैं नहीं लेने वाली हूँ, मैं इसके हाफ पोर्शन को ही बनाऊँगी। तो चलते हैं फटाफट से इसको भी बारीक बारीक काट लेते हैं। एक्चुअली मुझसे ना पत्ता गोभी बहुत बारीक कटती नहीं है, मेरे हस्बैंड ना बहुत अच्छा पत्ता गोभी काटते हैं, मतलब बहुत ही नाइस काटते हैं और उनको नाइस ही पसंद है बट मुझसे उतना नाइस कट नहीं पाता है, फिर भी मैं काटने वाली हूँ। मुझे तो लगता है ये पोर्शन भी ज़्यादा ही हो जाएगा कोई नहीं, अब लिया है एक तो काटना तो पड़ेगा ही, बनाना पड़ेगा ही। एक्चुअली कहते हैं ये जो वॉयलेट कैबेज होती है वो बहुत गर्म होती है बहुत, और हमारे वहाँ अभी मौसम बहुत ही गर्म हो रहा है। मतलब इतनी तेज़ धूप और इतनी तेज़ उमस है कि मतलब पूछे मत, मौसम तो बहुत ही ख़राब हो रहा है। दिन में बहुत तेज़ धूप होती है और शाम को 4 बजते बारिश होने लगती है। ये मौसम जो है बहुत ही बीमार पड़ने वाला मौसम है। तो देखिए फ्रेंड्स, देखते ही देखते मैंने इतने सारे इसके कट कर लिए हैं। अब फटाफट मैं इसको क्या करूँगी, इसके साथ मैं प्याज भी काटूँगी, हरा मिर्चा, प्याज। और मेरे वहाँ मतलब मेरे ससुराल में तो यहाँ इसमें नारियल भी डालते हैं बट यहाँ अभी आज नारियल मेरे वहाँ फिनिश हो गया है नहीं, तो मैं सिर्फ प्याज डालने वाली हूँ। अरे बाप रे, इसके स्लाइसेस बहुत मोटे हो जा रहे हैं, मुझे पतला काटना है। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने जो है कैबेज के स्लाइसेस कर लिए हैं। ओ माय गॉड, ये कितने मोटे मोटे मैंने स्लाइसेस काटे हैं। आप लोग बिल्कुल भी ऐसा पत काटिएगा, आप लोग पतला पतला काटिएगा, मैंने तो बहुत ज़्यादा मोटा काट दिया, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग कटा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को पतला पतला काटिएगा, अगर आप पतला पसंद करते हैं तो पतला काटिएगा, मुझसे तो ये पतला कटता ही नहीं है। तो अब मैं इसमें मिक्स करने वाली हूँ प्याज और हरा मिर्चा, ये सब मैं काट वाट के एकदम रेडी कर लेती हूँ। और पता है मेरे इस चाकू में बिल्कुल धार भी नहीं है, तो इसलिए भी और अच्छे से कट नहीं रहा है, पता नहीं मैं क्या करूँ। लेकिन अब मैं इसमें ज़्यादा मिर्चा नहीं, मेरे वहाँ मतलब मेरे बच्चे भी मिर्चा नहीं खाते हैं और मेरे हस्बैंड भी मिर्चा नहीं खाते हैं, तो बस मैं 2 मिर्चा डालने वाली हूँ। ये मैंने
तो देखिए फ्रेंड्स, अब जो हमारी कैबेज है बिल्कुल रेडी हो गए हैं, कट वट के स्लाइसेस तो मैंने इतने मोटे काटे हैं, मतलब एक्चुअली ना मुझसे ये पता नहीं क्यों बहुत पतले कट ही नहीं पाते, मोटे ही हो जाते हैं, बट कोई बात नहीं। और फिर यहाँ पे मैंने आलू के छोटे छोटे स्लाइसेस काटे हैं, और फिर प्याज और हरी मिर्च। आलू मैं इसलिए डाल रही हूँ कि कैबेज जो है मेरा बेटा ठीक से खाता नहीं है, तो अगर उसमें मैं आलू डाल देती हूँ तो वो उसके आलू के पीसेस को खा लेता है, तो दोनों का मैनेज हो जाएगा। तो फिर चलते हैं, अब मैं इसको चलती हूँ छौंक लगाती हूँ। तो अब जो है तेल गर्म हो गया है, अब मैं इसमें राई डाल देती हूँ। राई जब तड़कने लगी तब बाद में हम इसमें डालेंगे प्याज और आलू और कैबेज डाल के इसको मिक्स करेंगे। मैंने इसमें मिक्सर डाल दिया। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हम लोग बीच बीच में जो है अपने कैबेज आलू को चलाते रहेंगे, जिससे कि मतलब नीचे पकड़ ना ले, तो इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा करके चलाते रहेंगे। अब ये काफ़ी पक चुका है, बस पाँच छः मिनट और पकना बाकी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हमारा कैबेज आलू जो है एकदम अच्छे से पक गया है, और अब ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। मैंने गैस ऑफ कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल फिर मिलेंगे, बाय।